दिवस चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर ये आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये जो चंद लाइनें मैंने अभी पढ़ी हैं, क्या वाकई हमें याद है कि हमें आजादी कैसे मिली? अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। आज मैं आपको उन महान लोगों की बातों का स्मरण कराऊंगी जिनके दम पर आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन उनकी कई बातों को आज देश कितना अमल में लाता है ये भी मैं बताऊंगी। आज हम भारत में जिस परिवेश में रहे हैं उसके पीछे नारे का काफी महत्व है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज्य यानी आजादी। उस समय आजादी हमने अंग्रेजों से मांगी थी, लेकिन आजादी के बाद स्वराज का मतलब ही बदल गया। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के चिखली गांव में हुआ था। तिलक के पिता को शायद नहीं पता होगा कि उनका बेटा एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनेगा जो भारत में राष्ट्रवाद की चेतना को हर भारतीय के अंदर जगाएगा। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। उस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में नारा दिया था। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिल वणारच, यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आज हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या हम वर्षों के संघर्ष के बाद मिली इस आजादी का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आजादी के नाम पर आज हम और आप आखिर क्या कर रहे हैं। भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, यानी लोग अपनी भावनाएं, अपनी बातें, अपने विचार बेरोक टोक लिखकर, बोलकर या अन्य माध्यमों के जरिए प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आज इस आजादी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कई नेता इस आजादी का दुरुपयोग करते हुए विवादित बयान देते हैं। सोशल मीडिया पर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कई लोग महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी देने पर वामपंथी विद्यार्थियों ने इन्हें शहीद और भारतीय न्यायालय को कातिल कहा था। जेएनयू और जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथियों ने देश विरोधी नारे लगाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 76 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नक्सलियों के समर्थन में वामपंथी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पटाखे फोड़े। हर इंसान अपनी बुद्धि का अपने हिसाब से उपयोग करते हुए इसकी सीमा तय करता है, लेकिन इसकी अधिकता कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है। जैसे कि इस महामारी को ही देखिए, जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है। अब आप जरा कोरोना के मामले ही देख लीजिए। क्या हमने इस महामारी जैसे गंभीर समय में आजादी का मखौल नहीं उड़ाया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथों को साबुन से बार बार धोना, ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश इस महामारी में जारी किए गए थे, जिन पर हमने गौर नहीं किया और उसका नतीजा देश में ये महामारी हजारों लोगों की जान ले चुकी है। इस महामारी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था, लेकिन लोगों ने उसका भी उल्लंघन किया और बेपरवाह होकर बिना वजह सड़कों पर घूमने निकल पड़े। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, पान गुटखा खाकर कहीं भी थूकना, खुले में कचरा फेंकना, शौचालय की सुविधा सरकार ने दी है लेकिन इसके बावजूद लोग इसका उपयोग नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग को बताते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म निरपेक्षता के नाम पर तर्कहीन बातें करना हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया है। हम अपने अधिकारों के प्रति जितने जागरूक हैं, देश के लिए अपने फर्ज और दायित्वों के प्रति उतने ही अनजान हैं।
और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम आजाद जो हैं। तिलक भी समाज सुधार चाहते थे, लेकिन सलीके से। लेकिन आज हम समाज सुधार की किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें ही सोचना होगा। भारत को आजाद कराने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देश आजाद हुए आज 70 साल हो गए। हम लोगों ने, या कहें भारतवासियों ने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को अपने अपने हित में दुरुपयोग या सदुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आज आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में स्वच्छता अभियान चलाए हुए 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। फिर 15 अगस्त आ गया, फिर देश को गंदगी हटाओ अभियान सरकार छेड़ने जा रही है, और हम लोग जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के तहत कहीं पर भी थूकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गंदगी फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। हम कभी भी जो देश को समग्र तौर पर देश को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि हमारा शहर वेनिस बन जाए, हम नहीं सोच रहे कि हमारा देश स्विट्जरलैंड हो या न्यूयॉर्क की तरह चमके या अमेरिका की तरह चमके। लोग जहाँ पर हैं वहाँ काम गलत कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नैतिक दायित्व है लोगों का कि देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। आइए, ये 15 अगस्त है, इस बारे में संकल्प लें सभी लोग मिलकर कि जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसको सार्थक करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था उसे हम सार्थक करें और देश के लिए काम करें, स्वराज्य के लिए काम करें। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है। लेकिन आज की परिस्थितियों में, आज के परिदृश्य में, उस समय दिया गया वो नारा कितना सार्थक है। उस दौर में दिए गए पंडित नेहरू के इस नारे को आज भी देश अपने जहन में रखे हुए है या नहीं? जब पूरे देश में आजादी की मांग तेजी से गूंज रही थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। उनका मानना था कि काम करने और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा होता है, वही मीठा होता है। उन्होंने ये नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। वो ये संदेश देना चाहते थे कि देश की आजादी के लिए उन्हें बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं होगा, और ऐसे समय में जब देश को उसके वीरों की जरूरत है तो आराम करना सही नहीं है। वो जितना साहस दिखाएंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी देश को आजादी मिलेगी। दरअसल इस नारे के जरिए पंडित नेहरू का उद्देश्य लोगों को कर्मठ बनाने का था। वो जानते थे कि देश का विकास तभी संभव है जब भारत का हर नागरिक आराम को हराम समझकर कठिन परिश्रम करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि यदि किसी को आराम करने की आदत लग जाए तो ये उसके लिए अभिशाप बन जाता है, और शायद हमारा सरकारी सिस्टम कुछ इसी तरह का हो गया है। अब आप जरा इन सरकारी छुट्टियों पर नजर डालिए कि एक साल में कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कितनी छुट्टियां तोहफे में मिलती हैं। अगर साल 2020 की ही बात करें तो अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में कुल 14 छुट्टियां हैं। सरकारी छुट्टी 61, ऐच्छिक अवकाश 52, रविवार और 51 शनिवार ऑफ, यानी इतने दिन कर्मचारी अपने घरों में आराम करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की मन मुताबिक छुट्टियां, यानी अपने निजी कामों के लिए कर्मचारी जो अवकाश लेते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की भी है जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते। वैसे तो 8 घंटे की सरकारी शिफ्ट होती है, लेकिन कर्मचारी उस समय को भी पूरा नहीं करते। अमेरिका में हुई रिसर्च के अनुसार भारत के एम्प्लॉय सबसे ज्यादा कामकाजी हैं। 69% फुल टाइम कर्मचारियों के साथ भारत कामकाजी देश के रूप में अग्रणी है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय नागरिक अतिरिक्त श्रम करने में शर्माता नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक तबका ऐसा है जो सरकार की तरफ से दी गई सुविधा का अनुचित लाभ उठाता है, और यदि हमें हमारे लोगों के बीच व्याप्त आलस्य को दूर करना है तो उनमें मेहनत का भाव पैदा करना होगा। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी कतई कामचोर नहीं है। कर्मचारी के ऊपर 4-4 कर्मचारियों का बोझ अकेला कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने कई सालों से नई भर्तियां नहीं की, जिससे एक एक व्यक्ति पे 4-4 कर्मचारियों का बोझ पड़ा हुआ है। बोझ होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो ये मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और कहीं से भी मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं वो कामचोर नहीं है। आराम हराम है ये नारा हमारे देशवासी
सदियों से सुनते आ रहे हैं। इस नारे को एक नया रूप दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश को औद्योगिक क्रांति की तरफ ले जाना था, देश को विकास की पटरी पर ले जाना था, तो उन्होंने देशवासियों से ये कहा कि आराम छोड़ें और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। कोरोना के इस संकट के दौर में ये नारा एक बार फिर से हमारे लिए सार्थक करने का समय आ गया है कि जब सब तरीके से सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, उस वक्त में जो जहां है, मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकल से वोकल का जो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट पर हम चलें और जो जहां है वहां पर कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई उद्यम स्थापित करे और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे। सुस्ती का जो दौर है उसको छोड़ा जाए। सरकारी अधिकारी यदि हैं तो अपने ड्यूटी टाइम पे पूरा काम करें जितनी उनकी ड्यूटी है। आम जनता है यदि उसकी कोई दायित्व है और नागरिक दायित्वों का पूरी तरह पालन करें। इस तरीके से यदि हम चलते हैं, इस नारे को सार्थक करते हुए, तो बहुत जल्दी देश विकास की पटरी पर आगे बढ़ जाएगा और नंबर एक देश बन सकता है। जिस देश जब उन्नति करेगा तो आखिरकार इसका फायदा हम आम लोगों को ही मिलेगा। आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद देश के जवानों और किसानों दोनों ने ही खून पसीने से इस धरती को सींचा है। जय जवान जय किसान का नारा धरने प्रदर्शन रैलियों में तो खूब गूंजता है, लेकिन इस नारे की हकीकत क्या है? गली मोहल्लों में गूंजने वाला ये नारा क्या वहीं तक सीमित है? क्या इस नारे के बाद देश में जवानों और किसानों की स्थिति में कोई सुधार हुआ है? दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में वह देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनके इस नारे के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का भी संकट था। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा और खाने की चीजों को निर्यात किया जाने लगा। इसी दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए गए। इससे घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। उस समय हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना, और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया और उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। साथ ही कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी का विचार था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सुख समृद्धि केवल सैनिकों और शस्त्रों पर ही आधारित नहीं, बल्कि कृषक और श्रमिकों पर भी आधारित है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। लेकिन इस नारे की हकीकत आज क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ किसानों की हालत तो पहले ही देश में बहुत अच्छी नहीं थी, अब कोरोना भी किसानों के लिए आफत बन गया है। संकट की इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति फ्रिज, टीवी, मोबाइल और गाड़ी लेने के लिए नहीं दौड़ा, दौड़ा तो सिर्फ अन्न लेने के लिए, वही अन्न जो किसान उगाता है। मार्च में ही जब फसल तैयार होने के कगार पर थी तब 15 प्रदेशों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई, जबकि 6 प्रदेश अधिक बारिश वाली श्रेणी में थे। इसमें से ज्यादातर वो है जहाँ सबसे ज्यादा गेहूं, सरसों और दलहन की पैदावार होती है। बारिश भी 10-20 नहीं बल्कि 400% से ज्यादा हुई। उधर 8 राज्यों में किसान सूखे से परेशान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 1 अप्रैल तक झारखंड में सामान्य से 463% अधिक बारिश दर्ज की गई। बिहार में 451, उत्तर प्रदेश में 422, हरियाणा में 482,
पंजाब में 256, राजस्थान में 384, मध्य प्रदेश में 262, महाराष्ट्र में 156 और छत्तीसगढ़ में 361% तक अधिक बरसात हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का कितना नुकसान और क्या हाल हुआ होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2016-17 के बीच यानी 16 साल में भारत के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम ना मिलने के कारण करीब 35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज भारत के हर किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। पिछले एक साल में ही प्राकृतिक आपदाओं से 114.295 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र तबाह हो गए। करीब 80% किसान बैंक लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और इस वक्त देश में करीब 60% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की रही है। राज्य में साल 2015 में 4,291 किसानों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के बाद किसानों की आत्महत्या के सर्वाधिक मामले कर्नाटक में जहां 1,569, तेलंगाना में 1,400, मध्य प्रदेश में 1,290, छत्तीसगढ़ में 954, आंध्र प्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 आत्महत्या के आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एनसीआरबी की रिपोर्ट में किसान आत्महत्या का जिक्र ही नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं जवानों की स्थिति पर बात करें तो जवानों की लगातार बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाएं चिंता पैदा करने वाली है। साल 2011 से लेकर 2018 के बीच सशस्त्र बलों, सेना, वायुसेना और नौसेना के 892 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। संसद में पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों से यह आंकड़ा सामने आया है। आत्महत्या करने वालों में सेना के जवान ज्यादा है और इतना ही नहीं, इनकी आत्महत्या का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। इन 8 वर्षों में आर्मी के 707, एयरफोर्स के 148 और नेवी के 37 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। अगर साल 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तीनों सेनाओं के कुल 95 सैनिकों ने आत्महत्या की। इसमें सेना के 73, नौसेना के 2 और वायुसेना के 16 सैनिक शामिल हैं। ये जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने 4 मार्च को लोकसभा में दी है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी मात्र जो है नाम मात्र के लिए गई, किसानों के लिए। किसान गुलाम होता जा रहा है ये मान के चलिए। एक समय था जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस समय लग रहा था कि कोई किसान नेता, कोई किसानों को आगे बढ़ाने वाला एक नेता आया जो किसानों को आगे बढ़ाएगा, जवानों को आगे बढ़ाएगा। किसान और जवान दोनों किसानों से ही निकलते हैं। जवान जो जाता है ग्रामीण क्षेत्र से जाता है, कोई उद्योगपति, व्यापारी या अधिकारियों का बच्चा आज तक जवान नहीं बना, ना किसी मिलिट्री में गया। जो भी किसानों के बच्चे हैं आज जवान हैं, वो मिलिट्री में हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं। जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी ने दिया वो साक्षर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पार्टियाँ हैं दोनों ने किसानों को अपनी ओर से कोई भी प्रोत्साहित नहीं किया कि आगे वे बढ़ सके। किसान जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान कुछ दिन देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं। वो अगर कोई बूढ़े माँ बाप 20 साल जिंदा रह गए उनके बेटे के शहीद होने के बाद तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनका ख्याल करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। जैसे कोरोना चल रहा है, हम लोग 2 ही आदमी घर में हैं, बेटा होता तो हम लोगों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। जय जवान जय किसान का उस दौर में दिया गया नारा अब केवल राजनीतिक मंचों तक सिमट कर रह गया है। अब वर्तमान परिदृश्य में तो जवान और किसान राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। जवानों के साहस और उनके शौर्य पर भी उंगली उठाने में हमारे नेताओं को लाज नहीं आती है। खैर, देश के 2 मजबूत स्तंभों के आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े ये दर्शाते हैं कि देश में किसानों और जवानों की बात करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इन वादों को अमली जामा पहनाने में अभी काफी समय है। आजादी के समय आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो एक ही नाम जुबान पर आएगा और वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जी हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा
उस दौर में काफी प्रचलित हुआ था, क्योंकि जवानों और सेनानियों के खून की एक एक बूंद से ही हमें आजादी का ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के लिए खून का कतरा बहा देने वाले भारत में आज खून की कमी से ना जाने कितने लोगों की मौत हो रही है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया था। इस नारे को देते हुए नेताजी ने कहा था कि खून भी एक दो बूंद नहीं, बल्कि इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो दूं। सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत क्रांतिकारी थे और उनकी बातें आज भी किसी के भी तन मन में जोश भरने के लिए काफी हैं। लेकिन आज इस नारे की सच्चाई बदल गई है। उस समय देश की आजादी के लिए खून की मांग की गई थी, लेकिन आज उसी देश में खून की कमी से न जाने कितने मासूम मौत के मुंह में समा जाते हैं। चलिए आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। अप्रैल से नवंबर 2019 तक 34,655 में 23,919 गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई। 1193 में खून की गंभीर कमी मिली। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक जिले में 30 मात्र मृत्यु हुई। इसमें 12 डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव से हुई मौतें शामिल हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रसव के बाद रक्तस्राव से लगभग 30% और 20% मात्र मृत्यु का संबंध गर्भावस्था में खून की कमी है। नेशनल हेल्थ सर्विस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में लगातार रक्तदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुष रक्तदाताओं में 24.8 और महिला रक्तदाताओं में 6% की कमी आई है। देश में हर साल लगभग 1.20 करोड़ यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन रक्तदाताओं ने केवल 90 लाख यूनिट ही रक्त एकत्रित हो पाता है, जिससे हर साल 30 लाख यूनिट रक्त की कमी रह जाती है। वहीं सड़क दुर्घटना में पानी की तरह बहने वाले खून के चलते न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते हैं। भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में एक साल में मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, पिछले एक दशक में भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। वर्ष 2017 में हुई 4,64,910 की तुलना में 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली। इसी अवधि के दौरान मृत्यु दर में भी लगभग 2.37% की वृद्धि हुई है। 2018 में 1,51,471 लोग मारे गए, जबकि 2017 में 1,47,913 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में पिछले 10 सालों में 13,81,314 लोगों की मौत हुई। वहीं 50,30,707 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 4% शराब पीकर वाहन चलाने वालों की होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट पर अगर नजर डाली जाए तो राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई। इस मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण के अनुसार कुल दुर्घटनाओं में 30.2% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज की गई हैं। बिना वैध लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 13% दुर्घटनाओं का कारण बने हैं। तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से 2018 में 64.4% मौत हुई। आंकड़ों में इस साल और भी बढ़ोतरी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजादी के लिए नारा दिया था, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा", तो उसका मतलब था
देश के प्रति समर्पण, आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों का पूरा समर्पण, हालांकि उन्होंने भारत से बाहर जाके इस लड़ाई को लड़ा था, भारत में वो इस लड़ाई को लड़ नहीं पाए जब तक कांग्रेस में रहे तब तक, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसके बाद उन्होंने नारा दिया था। लेकिन अब आज़ादी को 75 साल का समय हो चुका है, परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हर आदमी के देश में हर व्यक्ति की एक खून की एक एक बूंद की कीमत देश के विकास के लिए है। हम देखते हैं कि लोगों का सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता, जितना देश में रक्तदान नहीं होता है उससे ज़्यादा खून सड़कों पर एक्सीडेंट में बह जाता है या अन्य आपराधिक वारदातों में बह जाता है। तो वास्तव में इस नारे को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने खून का देश के लिए उपयोग कैसे करें, इसका बड़ा गहरा निहितार्थ है और उसे पूरे देश को समझना होगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आज़ादी में जिन नारों ने जवानों में जोश भरा, लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, उन नारों की वास्तविक स्थिति वर्तमान संदर्भों में क्या हो गई है। ये तो कुछ गिनती थी जो हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाई। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके दिए नारों की एक लंबी फहरस्त है जिसे हम भूल चुके हैं। नारे तो छोड़िए, हमें तो शायद उन सेनानियों के नाम भी याद नहीं होंगे जिन्होंने हमें आज का दिन दिया है। ये बात सही है कि ये नारे आज की वास्तविकता से कोसों दूर हो गए हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी हम नहीं नकार सकते कि इन्हीं के बूते आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम हमारी इस आज़ादी का मूल समझ पाए हैं। जय हिंद।